गुड आफ्टरनून एवरीवन. जरा जोर से आवाज आनी चाहिए. डियर चांसलर सर, वाइस चांसलर, प्रो वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार, प्रोफेसर दास हु हैज कम फ्रॉम लखनऊ, प्रोफेसर गोस्वामी सॉरी हु हैज कम फ्रॉम लखनऊ, the faculty members, head of department, deans, media staff members, and of course everybody says most importantly the students, but I would say the most importantly the parents of the students who have come here in large numbers. And then come of course the students, not the students, the graduating students and the post-graduating and doctorate. It's a real privilege and I'm deeply honored to stand before you. And I want to start my speech by saying many, many congratulations to all of you. And also, I would like all students here or graduating students to rise and put your hands together for your parents, for your teachers, and for your friends. Could you please rise and give a standing ovation to all those people who have really supported you in getting where you are. And I would like parents to bless them for their future. Thank you. Now I believe it is the turn of parents and families to rise and give a standing ovation to their children and their families. अब लगा कि कुछ एनर्जी है. सो सबसे पहले तो मैं अपनी स्पीच एक कन्फेशन से शुरू करता हूँ. कन्फेशन ये है कि मैं इतनी बड़ी भारी स्पीच लिख के आया था, लेकिन जो भी मुझे बोलना था वो चांसलर साहब ने बोल दिया. तो मैं फिर दूसरे सिरे से शुरू करता हूँ. और मेरे बारे में अभी आपने परिचय सुना, उस परिचय में एक चीज़ छूट गई. वो चीज़ ये है कि मैं बहुत ही भाग्यशाली और सौभाग्यशाली आदमी हूँ. ये मेरा सौभाग्य था कि मैं यूपी के एक छोटे से गांव में बहुत गरीब परिवार में जन्म लिया. और मेरा जन्म एक कच्चे गांव के कच्चे घर के उस रूम में हुआ था जहां पर पशुओं के लिए भूसा रखा जाता था. ये मेरा सौभाग्य है कि मैंने गरीबी को पास से देखा. ये मेरा सौभाग्य है कि मेरी एजुकेशन शुरू की ऐसी जगह हुई जहाँ पर स्कूल तो था लेकिन क्लासरूम नहीं था, तो मुझे आम के पेड़ के नीचे पढ़ने का मौका मिला. ये मेरा सौभाग्य है कि मेरे अध्यापक से ज़्यादा मेरे शिक्षक थे जिन्होंने मुझे जीवन की शिक्षा दी. ये मेरा सौभाग्य है कि उसके बाद किसी तरह से मेरा रुड़की में एडमिशन हुआ और मैं रुड़की से इंजीनियर बना. और आज ये मेरा सौभाग्य है कि मैं 20 साल से सोच रहा था कि कभी जाके TISS को देखूंगा, और मेरा सौभाग्य है कि मुझे 20 साल लग गए लेकिन मैं आया ज़रूर. उसके बाद पढ़ाई करने के बाद मेरा सौभाग्य था कि मैं अच्छी कंपनियों में मैंने काम किया और मैं बहुत जल्दी CEO बन गया. और जब तक मैं 50 का आया तो मुझे लगा कि मुझे और सौभाग्य का काम करना चाहिए, क्योंकि अभी तक मेरा सौभाग्य था कि मुझे ज़रूरत से ज़्यादा और भाग्य से ज़्यादा मिल रहा था. तो मुझे लगा कि मुझे इसको भाग्य को दूसरे के भाग्य को बढ़ाना चाहिए और मुझे समाज के लिए कुछ करना चाहिए. मेरा ऐसा मानना है कि वी आर ऑल प्रोडक्ट ऑफ आर डेफिनेशंस, आर एक्सपोजर एंड आर एबिलिटी टू लर्न. दीज आर 3 की थिंग्स इन लाइफ एंड ऑल ऑफ अस आर प्रोडक्ट ऑफ दैट. तो इससे पहले कि मैं आगे चलूँ, पहली चीज़ मैं एक वार्निंग देना चाहता हूँ आपको. जब भी आपको लगे कि मैं आपका ज़्यादा समय ले रहा हूँ तो आप सब खड़े होकर ताली बजा सकते हैं और मैं अपना स्पीच ख़त्म कर दूँगा. तो मैं पहले ये बताता हूँ, मुझे बताया गया कि मैं फिलैंथ्रोपिस्ट बना. तो
मैंने जैसा आपकी बताया है कि हमारी लाइफ हमारी डेफिनेशन पर निर्भर करती है और हमारी एबिलिटी टू ग्रास्प देम. आप जितने अवेयर रहेंगे उतना ही आपके जीवन में कुछ ऐसा होगा जो आपके जीवन को परिवर्तित कर देगा. तो मैं अपने जीवन की दो घटनाएं बताता हूं जिसकी वजह से मैंने 50 साल की उम्र में, जब लोग कहते हैं, मुझे तो नहीं पता, लोग कहते हैं कि मैं अपने करियर के पीक पर था, उस समय मैंने कॉरपोरेट को छोड़ने का निश्चय लिया. पहली घटना घटी 1984 में जब मैंने नौकरी शुरू की थी और मुझे पहली तनख्वाह मिली थी 1200 रुपए की. उस दिन मैं बड़ा खुश था. हमने जाकर छोटी सी पार्टी की और उसके बाद मैं अपने एक फ्रेंड्स के यहाँ रात में सोया. और सुबह दिल्ली से, जो लोग परिचित हैं वो जानते होंगे कि कनॉट प्लेस से एक बस जाती है साकेत के लिए, तो मैंने वो बस पकड़ी और मैं साकेत के लिए चल पड़ा. सुबह सुबह थी और मेरे ख्याल से थोड़े सर्दियों के दिन आ गए थे, तो सरोजी नगर के क्रॉसिंग पर बस रुकी और सामने मैंने एक भिखारी को देखा. मुझे उस पर बहुत दया आई और मैंने भी 100 रुपये निकाल कर उसको दे दिए और बात ख़त्म हो गई. इसको फास्ट फॉरवर्ड करते हैं 3 साल. 3 साल बाद मेरे 3 प्रमोशन हो गए क्योंकि मेरे बॉस का कहना था कि मैं काम बहुत अच्छा करता हूँ और मेरी सैलरी हो गई 4000 रुपये. फिर मैंने एक गाड़ी खरीदी, एक कार खरीदी और एक दिन मैं अशोका होटल में एक मीटिंग के लिए गया. वहाँ से लौटते समय ठीक उसी क्रॉसिंग पर मेरी गाड़ी रुकी. उन दिनों में एसी नहीं होते थे तो खिड़कियाँ खुली हुई थी. मैंने फिर से एक भिखारी को देखा और मैंने उसको 100 रुपये दे दिए और मैं चल पड़ा. अभी मुश्किल से मैं 1 किलोमीटर चला हूँगा तो मुझे लगा कि मैं अमीर हो रहा हूँ कि गरीब हो रहा हूँ. जब मेरे पास 1200 रुपये थे तब भी मैंने 100 रुपये दिए. आज मेरे पास 4000 रुपये हैं तब भी मैंने 100 रुपये दिए. तो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि उस एक पल ने मेरे जीवन को बदल दिया क्योंकि उस दिन मैंने निर्णय लिया कि मुझे अमीर बनना है, गरीब नहीं बनना है. और इसके बाद से जीवन में कुछ भी हुआ, चाहे सैलरी मिलियंस में पहुँच गई, बट मैंने सोचा कि 8.33% से ज़्यादा मुझे बढ़ना है और 25-50% तक जाना है अमीर बनने के लिए. तो इस एक निर्णय ने मेरा जीवन बदल दिया और मुझे प्रेरित किया कि मैं गरीब नहीं अमीर आदमी बनूं. उसके बाद जीवन चलता रहा और मैं तरह तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी करता रहा. 45 के आसपास पहुंचा तो जीवन में ये सोचना शुरू किया कि मैं क्या कर रहा हूं और क्यों कर रहा हूं. इसके बहुत सारे आंसर मिले लेकिन जो जिस्ट है वो मैं आपको बताता हूं. हमको लगा कि जीवन में आदमी कितनी तरह के काम करता है, अच्छा काम और बुरा काम, दो ही श्रेणी में उसको बांट सकते हैं. अब बुरे काम को छोड़ देते हैं, अच्छे काम की तरफ आते हैं. तो अच्छा काम कितनी तरह का होता है? छोटा काम और बड़ा काम. जो आदमी छोटा काम करेगा वो बड़ा छोटा आदमी बनेगा और जो बड़ा काम करेगा वो बड़ा आदमी करेगा. अब सवाल ये था कि छोटा काम क्या है और बड़ा काम क्या है, क्योंकि मैंने जैसा आपको बताया, वी आर ऑल प्रोडक्ट ऑफ आवर डेफिनेशंस. तो हमने, हमारी डेफिनेशन ये हुई कि वो सारे काम जो आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए और अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए करते हैं वो सारे छोटे काम हैं, और वो सारे काम जो आप सेल्फलेसली दूसरों के लिए करते हैं वो बड़े काम हैं, और जो बड़ा काम करेगा वो बड़ा आदमी बनेगा. तो हमने डिसाइड किया कि हमको बड़ा आदमी बनना है और हमने नौकरी छोड़ दी. दिस इज द सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ डेफिनेशन. हम लोग इन्हीं सब डेफिनेशन से, इन्हीं सब चीज़ों से लर्न करते हैं. तो मैं आपको कुछ अपनी लर्निंग्स बताता हूँ. एवरीबडीज लाइफ इज गोइंग टू बी डिफरेंट फ्रॉम हियर ऑन, बट रिमेंबर लाइफ इज नॉट 100 मीटर रेस, इट्स अ मैराथन. सो इवन इफ यू सी पीपुल क्रॉसिंग यू इन 100, 200, 300 meters, डोंट वरी. फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज बेसिकली अ मैराथन. बट टू रन फॉर मैराथन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज यू मस्ट नो वाई यू आर रनिंग एंड वेयर यू आर रनिंग. I will give you a true incidence, and certainly I don't want you to be in those shoes, and therefore I would like to remind you as to what you have to do. अब से करीब 3 साल पहले की बात है. चांसलर साहब, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, आपको बड़ा सुन के अच्छा लगेगा और हो सकता है अच्छा ना भी लगे. कि ये करीब 2-3 साल पहले की बात है, मैं किसी फोरम में बोलने गया था, अवार्ड फंक्शन था, और वो अवार्ड फंक्शन था एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का,
और उस अवार्ड फंक्शन के लिए वहाँ पर आपसे ज़्यादा करीब 300-350 CXOs और CEOs लोग आए हुए थे। आप सब जानते हैं कि सारी बड़ी कंपनियाँ जो हैं विजन और मिशन से चलती हैं, आपका भी खुद का भी एक विजन और मिशन है। तो आफ्टर टॉकिंग 3-5 मिनट्स मैंने उनसे पूछा कि आप में से कितने लोगों को अपनी कंपनी का विजन और मिशन मालूम है, तो 100% लोगों ने हाथ खड़ा किया कि हमको अपनी कंपनी का विजन एंड मिशन मालूम है। मेरा सेकंड क्वेश्चन था कि आप में से कितने लोगों को वर्बेटिम अपनी कंपनी का विजन और मिशन मालूम है, तो इसमें से बहुत सारे लोग थे जिन्होंने खुद ही वो विजन और मिशन लिखा था, तो 70% लोगों ने हाथ खड़े किए। मेरा तीसरा प्रश्न था कि आप में से कितने लोग किसी ऐसी कंपनी में काम करना चाहते हैं जिसका कोई विजन मिशन नहीं है। अब किसी का हाथ खड़ा नहीं हुआ, तो मैंने पूछा चलिए एक साल नहीं 6 महीने कौन लोग ऐसी कंपनी में काम करना चाहते हैं जिसका विजन मिशन नहीं है। मुझे आश्चर्य हुआ कि फिर भी किसी का हाथ खड़ा नहीं हुआ, तो मैंने उनको थर्ड ऑप्शन दिया कि आप में से कितने लोग ऐसी कंपनी में काम करना चाहते हैं जिसका कोई विजन मिशन नहीं है और आपको सिर्फ 1 महीने काम करना है, लेकिन फिर भी किसी का हाथ खड़ा नहीं हुआ। तो मेरा छठा प्रश्न था कि आप में से कितने लोगों ने अपने जीवन का, अपनी लाइफ का विजन और मिशन लिखा हुआ है। 0। फिर मैंने कहा कि आप लोग एक कंपनी को अपने जीवन का कुछ हिस्सा नहीं देना चाहते हो जिसको पता नहीं है कि उसको कहाँ जाना है और कैसे जाना है, लेकिन आप अपना जीवन के बारे में आपका कोई विजन और कोई मिशन नहीं है, और आप अपने बच्चों को बताते हैं कि उनको क्या करना चाहिए। तो सारे ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स के लिए मेरा मैसेज है कि आप उस स्थिति में ना जाएं। जब आप घर से निकलते हैं तो आपको पता होता है कि आपको कहाँ जाना है, इससे पहले आप अपनी जर्नी शुरू नहीं करते, लेकिन लाइफ की जर्नी में अनफॉर्चुनेटली हम ऐसा नहीं करते। हम घर से कार निकालते हैं तो हमको पता होता है कि हमको कहाँ जाना है, ना अपना टाइम वेस्ट करना है ना पेट्रोल, लेकिन लाइफ की जर्नी में हम ऐसा नहीं सोचते। तो मेरा पहला जो आपको सजेशन है वो ये है कि आप लोग थोड़ा सोचें और अपने जीवन का एक विजन और एक मिशन लिखें। अगर डेस्टिनेशन होगा तो आपके वहाँ पहुँचने के चांसेस होंगे, और अगर डेस्टिनेशन ही नहीं होगा तो आपके भागने के चांसेस होंगे, पहुँचने के चांसेस नहीं होंगे। और इसका मैं सबसे बड़ा एग्जाम्पल देता हूँ आपको, जो शायद आपको हैरान कर देगा, बट इट इज़ द मोस्ट कॉन्ट्रडिक्टरी थिंग इन इंडिया। भारतवर्ष को देखेंगे तो एक चीज़ आपको सबको पता चलेगी, दैट एवरी इंडियन इज़ इन अ हरी। आप एयरपोर्ट पे चले जाइए तो अंदर घुसने के लिए लड़ाई है, फिर बाहर निकलने के लिए लड़ाई है, फिर बस में चढ़ने के लिए लड़ाई है, लाइन में कोई खड़ा नहीं होना चाहता है, सड़क पे कोई लाइन में नहीं चलना चाहता है, तो एवरी इंडियन इज इन अ हरी, बट इमेजिन नो वन ऑन टाइम। कैन यू सी द लॉस ऑफ डायरेक्शन? एवरी इंडियन इज इन अ हरी बट नो वन ऑन टाइम। आई थिंक दिस इज वन थिंग व्हेन वी से बिटवीन अस, बिटवीन नाउ एंड विकसित भारत, वॉट इज द डिफरेंस? आई वुड लाइक टू सी विकसित भारत वेयर नोबडी इज इन हरी बट एवरीबडी इज ऑन टाइम। वॉट इज एट स्केल, वॉट इज एट स्टेक इज नॉट टाइम बट द टाइमिंग। जब आप समाज को देखते हैं तो आप उसको बहुत आराम से उसका सारांश बता सकते हैं। मैंने एक बार हिंदुस्तान के बारे में लिखा था कि मुझे हिंदुस्तान क्या चीज़ है, तो हिंदुस्तान को बहुत सालों तक बाहरी लोगों ने शासन किया, रूल किया, तो एक डेफिनेशन उनको लगता है कि उन्होंने बहुत समय खो दिया है और उस समय को उनको कॉम्पनसेट करना है। सो आई सेड एवरी इंडियन वॉन्ट्स टू मेक अप फॉर द लॉस्ट टाइम। वॉट इज एट स्टेक इज टाइम। तो इसीलिए कोई भी लाइन होती है तो हम फटाक से लाइन में लग जाते हैं, उसके बाद पूछते हैं लाइन किस चीज़ की है। कहीं भी जगह देखते हैं पहले घर बना लेते हैं और फिर सोचते हैं कि इसमें बाय द वे इसमें पानी की व्यवस्था भी तो करनी थी, कहीं सड़क भी तो बनानी थी। सड़क पे वो अच्छा आदमी जो आपको सॉफ्टवेयर कंपनी में या बैंक में कहीं दिखेगा टाई लगा कर काम करता हुआ, जब वो सड़क पे निकलेगा तो वो शॉर्टकट मारेगा। लाइफ में हमको अमीर होना है, जल्दी होना है, सब कुछ जल्दी है। वॉट इज एट स्टेक इज टाइम। नाउ तो हम लोग क्या करते हैं, हमारी सारी लाइफ एक्टिविटी ओरिएंटेड हो गई है।
Now look at China. China was not ruled by outsiders, but they were a closed country. When they opened up, in their mentality, they felt they have lost a lot of opportunities. So every Chinese wants to make up for the lost opportunity. What is at stake is opportunity. So they plan well, they do well, and then they capture the opportunity. We capture the time, but we don't know for what. I would suggest that in life, first and foremost, create a life story for you. How many people watch movies? All of you watch. I don't stand up, but I believe all of you watch. But not doing so much is not good. So how does the movie come? In the movie, first comes a story. After that, comes a script. After that, of course, आप म्यूजिक डिसाइड करते हैं या डिसाइड करते हैं कि आपके हीरो हीरोइन कौन होने वाले हैं और इस तरह से मूवी बनती है और फिर आप मूवी का क्लाइमेक्स डिसाइड करते हैं. लाइफ की मूवी भी ऐसी है, सिर्फ फर्क यह है कि हम अपनी स्टोरी लिखते नहीं हैं. मेरी गारंटी है कि अगर आप लाइफ की स्टोरी लिखेंगे और उसको फॉलो करेंगे तो आप वहीं पहुँचेंगे क्लाइमेक्स में जहाँ आप पहुँचना चाहते हैं, अन्यथा क्लाइमेक्स आपको कहीं भी ले जा सकती है. आई हैव अ फिलोसफी एंड दैट बिकेम वन ऑफ माई लर्निंग इन माई स्कूल दैट वॉट एवर यू ट्राई यू मे सक्सीड और फेल बट वॉट एवर यू डिसाइड विल हैपन एंड इफ इट इज नॉट हैपनिंग देन यू कैन बी श्योर यू हैव नॉट डिसाइडेड. And how to get around this, to know whether you have decided or not, is that when your mind stops wavering, it is focused on one point, then you should know that you have decided. And therefore you would see that seldom people always try to go for a morning walk, and you know that how many people sustain. But seldom people miss the flight. And in the whole of my life of more than 60 years, I have never ever seen anybody missing his surgery because he has decided to be there. So whatever you decide will happen. The question is, what do you decide? And for that it is mandatory that you should have a vision and mission of your life, a destination. Aaj ke din startup ka kisko sabko pata hoga startup kaise hote hain. To startup karne ke liye kya hota hai? Pehle aap ek vision and mission likhte ho. तब आपको फंडिंग मिलती है. तो ऐसे ही लाइफ है. आप अपना ही विजन मिशन नहीं लिखोगे तो जिसको मन होगा वो फंडिंग देगा, और कभी कभी ऐसा होगा कि आपको फंडिंग नहीं मिलेगी. फिर आपका स्टार्टअप छोटा स्टार्टअप रह जाएगा. फिर आप बोलेंगे अरे मेरे साथ तो वो हुआ नहीं जो मैं चाहता था. सवाल ये है कि आपके साथ वो नहीं होगा जो आप चाहते हैं, आपके साथ वो होगा जो आप निर्णय करते हैं, और इन दोनों में बहुत भारी डिफरेंस है. जब मैं छोटा था तो दो तीन चीज़ें हुई जिससे मेरा पूरा कॉन्फिडेंस हो गया कि जो आप डिसाइड करेंगे वो होगा. हमारे मोहल्ले में एक हमारे पिताजी कहीं पहुँचे ट्रांसफ़र होके, तो मोहल्ले में एक व्यक्ति एक बच्चा जो था वो बैडमिंटन खेल रहा था, और उसने हमसे पूछा खेलोगे? अब हमको तो आता नहीं था, तो हमने बोला हाँ बिल्कुल खेलेंगे. अब हमने खेलना शुरू किया, एक मिनट के बाद उसको पता चल गया कि इसको खेलना नहीं आता. तो उसने हमसे बोला यार तुम क्या खेल रहे हो, तुमको तो रूल भी नहीं मालूम है. उसने कहा तो सच था, लेकिन हमारे दिल पे ये बात लग गई. तो हमको लगा कि नहीं, हमको इसको बदलना है. उसके बाद हमारे पास दो चॉइसेस थी, या तो हम खेल खेल के सीखते या हम ऑब्जर्व करके सीख लेते. तो हमने दोनों चीज़ें की, और हमें बड़ा आश्चर्य हुआ कि जब हमने डिसाइड कर लिया था तो 6 महीने के अंदर हम उसके साथ खेलते थे. 1 साल के बाद मैं डिस्ट्रिक्ट टीम का कैप्टन था और वो मुझे मेरे साथ मेंबर था, और उसके बाद मैं रीजनल टीम का प्लेयर था और वो मेरे साथ मेंबर था, उसके बाद मैं स्टेट टीम में था और वो मेरे साथ नहीं था. लेकिन ये क्यों हुआ? क्योंकि ये मैंने डिसाइड कर लिया था. उसके बाद एक और घटना हुई. जब मैंने डिसाइड कर लिया तो अचानक क्या हुआ, मैं बैडमिंटन बहुत अच्छा खेलने लगा, और मैं इतना अच्छा खेलने लगा कि मुझे भी लगने लगा कि मुझे इंडिया की टीम में आना है. तो मैं 5 से 6 घंटे सुबह और इतना ही समय समझ लीजिए शाम को मैं इसी में लगा रहता था, और मुझे लगा कि मुझे ये करना ही करना है. लखनऊ में खेलता था केडी सिंह बाबू स्टेडियम में. जब ये सब हो रहा था तो मेरे पिताजी कहते थे इंजीनियरिंग कर लो, मैं कहता था नहीं, अब तो मुझे प्लेयर ही बनना है.
तो एक दिन मैं वहाँ से बाहर निकला और मैंने देखा कि जो उस समय का नेशनल नंबर टू नंबर थ्री था वो एक लंबरेटा स्कूटर पे आ रहा है। लंबरेटा स्कूटर आप लोगों ने देखा भी नहीं होगा, बट जब आप कभी जाएंगे नेट पे तो देखिएगा। तो मुझे लगा कि कुछ सालों के बाद मैं यही हूँ, तो फिर मुझे लगा कि क्या मुझे ये बनना है, तो मैंने डिसाइड किया ये मुझे नहीं बनना है। तो हमने फटाफट अप्लाई किया, सारे कॉम्पिटिशन हो चुके थे, हमको एडमिशन मिला कश्मीर में हमारे मार्क्स के बेसिस पर, क्योंकि हमारे फादर को लगता था कि हम फेल हो जाएंगे। हम दिन भर खेलते रहते थे, बैडमिंटन की टीम में थे, क्रिकेट की टीम में थे और थे, और हमको लगता था कि खेलना और पढ़ना तो दोनों अलग अलग चीज़ है, ये इसमें कन्फ्यूजन क्यों होता है? ऐसा तो नहीं है कि मैं भाई बनूंगा तो अच्छा बेटा नहीं बन सकता, ये तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है, बट उनको लगता था। तो खैर हुआ ये कि वो उनको आश्चर्य हुआ जब हमने मोर लेस डिस्ट्रिक्ट टॉप कर दिया, तो इसलिए वो कहते थे कि तुम पढ़ो और मुझे लगता था कि मुझे खेलना है। तो हम लोग एक, उन्होंने कहा कि मैं तुमको छोड़ने जाता हूँ, और हम एक शालदा ट्रेन चलती है लखनऊ से जम्मू के लिए, उसके अंदर बैठ गए। मेरे फादर रुड़की के ग्रेजुएट थे जो मेरे पैदा होने के बाद बने बाय द वे। तो अब वो गाड़ी चल पड़ी, उन दिनों में लोग बिस्तरा वगैरह लेके चढ़ते थे, तो जो बगल के पैसेंजर थे उनसे हमारे पिताजी की बात होने लगी और वो काफ़ी लोग मग्न हो गए। 4 बजे या 5 बजे रुड़की का स्टेशन आता है, और रुड़की का स्टेशन जैसे ही अप्रोच होने लगा तब उन्होंने पिताजी से एक क्वेश्चन पूछा कि अरे मैं इतनी देर से आपसे बात कर रहा हूँ, ये तो जम्मू की ट्रेन है, आप असल में कहाँ जा रहे हैं? तो उन्होंने बोला कि मैं अपने बेटे को कश्मीर में श्रीनगर में एडमिशन दिलाने जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा, तभी वो ट्रेन वहाँ रुक गई और लोग समोसा वगैरह बेचने लगे, तो समोसे की आवाज़ में जो मैंने सुना, उन्होंने कहा कि जो अच्छे बच्चे होते हैं ना वो तो रुड़की में आ जाते हैं, वरना तो बाकी अपने माँ बाप को तंग करते हैं। अब ये बात हमारे दिमाग में घुस गई और उस दिन हमने डिसाइड किया कि हमको रुड़की में पढ़ना है। तो वहाँ से 2-3 महीने के बाद हमने चेंज किया, हम जयपुर आए, अगले साल हमने एग्ज़ाम दिया और हम रुड़की में सेलेक्ट हो गए। बट मैं आपको सिर्फ को ये बताना चाहता हूँ कि ये सब इसलिए हुआ, इसलिए नहीं कि उन्होंने मुझे क्रिटिसाइज़ किया, इसलिए हुआ कि मैंने डिसीजन लिया, मैंने निर्णय लिया और मैं वहीं पहुँचा जहाँ पर निर्णय लिया था। आप सोचिए, मैं तो 20 साल पहले यहाँ आना चाहता था, मुझे तो पता ही नहीं था कि ये मैंने निर्णय ले लिया है कि आज हम पहुँच गए यहाँ पर। इसी तरह से जीवन में बहुत सारी लर्निंग्स हुई और उन लर्निंग ने ही जीवन को हमारे बनाया। आपको एक चीज़ मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ कि जीवन में किसी भी चीज़ को आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं और सीख सकते हैं। जानना वो होता है जो आप किताबों में पढ़ते हैं या WhatsApp पे रिसीव करते हैं, लेकिन किसी व्यक्ति को ये पता हो कि दुनिया में कितनी तरह की एक्सरसाइजेज होती हैं या कितनी तरह का योगा होता है, उसको जानना कहते हैं। दूसरे व्यक्ति को पता हो कि किसी योगा करने से क्या होता है, उसको समझना कहते हैं। और तीसरा व्यक्ति जो योगा करता है, आपको पता है जीवन किसका बदलता है? जो योगा करता है, जो जानता है या समझता है वो नहीं होता। तो जीवन में हमको बड़ा कॉन्शियस होना चाहिए कि हम क्या जानना चाहते हैं या समझना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं। सीखना वही होगा जो आपकी लाइफ में अवतरित हो जाएगा। जो इन्फॉर्मेशन अभी तक आपने यहाँ कलेक्ट की है वो मेजरली, जो भी यहाँ पर आप पढ़े हैं वो मेजरली इन्फॉर्मेशन है। जब आप उसको जाके अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ करेंगे तो वो नॉलेज बनेगी, और उसमें से जो एसेंस आप अपने जीवन में उतारेंगे वो आपके लिए विजडम होगी। और लर्निंग वही है, जैसे आपने चलना सीखा है इसको आप कभी भूल नहीं सकते हैं, आपने खाना सीखा है इसको नहीं भूल सकते हैं, जो भी चीज़ें आपने सीखी हैं वो कभी आप भूलेंगे नहीं। तो जब आपका फोकस रहेगा कि आपको जानना है, सीखना है या समझना है, तो मेरा आपको ये संदेश होगा कि आप सीखना सीखिए, क्योंकि सीखना इम्पॉर्टेंट है। और वो सीखना जो है वो आपकी लाइफ को प्रभावित ही नहीं करेगा, वो आपकी लाइफ को डायरेक्ट करेगा। और जीवन में जो सीखना है इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा वही है। तो मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूँ जो आपको बताएंगे कि इसके लिए आपको क्या फ़ायदा हो सकता है। तो सीखने के लिए आप क्या सीखेंगे? सीखने के लिए
मेरा बेटा मेरे पास एक आया था, बोला पापा आप तो बहुत बताते हैं, आप मुझे बताइए कि मुझे एक्सट्रीमली एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस के लिए क्या करना चाहिए। तो मैंने उसको बताया था तीन चीज़ें हैं, अगर तुम तीन चीज़ कर लोगे या कोई भी तीन चीज़ें कर लेगा तो वो हमेशा सक्सेसफुली होगा नो मैटर व्हाट यू आर डूइंग। नंबर वन, लर्न फास्ट, जल्दी सीखो। नंबर टू, लर्न टू लर्न फास्ट, जल्दी सीखना कैसे है ये सीखो। नंबर थ्री, लर्न टू लर्न टू लर्न फास्ट, ये सीखो कि जल्दी भी कैसे सीखा जाए। और उसके बाद ये सीखो कि हाउ टू ऑलवेज लुक फॉर एक्सीलेंस। इफ यू लुक फॉर एक्सीलेंस यू विल ऑलवेज बी सक्सेसफुल। इफ यू लुक फॉर सक्सेस यू माइट गेट सम टाइम बट यू इट विल नॉट बी एंड्योरिंग सक्सेस। सो लर्न फास्ट, लर्न टू लर्न फास्ट, लर्न टू लर्न फास्ट, लर्न एम्पैथी, लर्न करेज, लर्न टू सपोर्ट अदर्स, लर्न टू मोटिवेट अदर्स, लर्न नॉट टू गेट डिसअपॉइंटेड, लर्न हाउ टू हैंडल फेलियर्स, लर्न हाउ टू हैंडल सक्सेस, लर्न हाउ टू स्टैंड फॉर अदर्स, लर्न हाउ टू स्टैंड फॉर वैल्यूज, लर्न हाउ टू रिस्पेक्ट, लर्न हाउ टू अप्रिशिएट। दीज आर द लर्निंग्स ऑफ लाइफ which can make you not only successful but great. The difference between success and great is every great person is successful but every successful person may not be great, and the only differentiation between them is the human qualities, and the best is care and share. So all of you are extremely extremely fortunate people, because what people will do as a choice you would do in a career. Imagine it. What people want to do, what I am doing after leaving a job, you are going to do in your job. The only difference is that don't do it as a job. Keep your heart with it. And the moment you have a heart with it, you will see the phenomenal things it is going to give it to you. But before that, please define those things. Define what is success. Define for yourself what is success. Define for yourself what is prosperity. Define for yourself what is kindness. Define for yourself what is happiness. Because if we don't define, the problem of our society basically is that we don't define things. Neither our parents tell us to define it. Maa kehti hai bacche se ki bacche acche bacche ban jao, but wo ye nahi batati hai ki acche bacche ka matlab kya hai. और ना ही हम ऐसा सोचते हैं। तो जीवन भर हम अच्छे बनने की कोशिश करते रहते हैं, ओनली टू लिसन फ्रॉम अदर्स कि ये अच्छा तो बना लेकिन उतना अच्छा नहीं बना। सो प्लीज बी वेरी कॉशियस अबाउट दीज थिंग्स। द नेक्स्ट पॉइंट आई वॉन्ट टू टच अपॉन इज दैट यू नो इंडिया इज ग्रोइंग एंड आर विजन ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर इज टू मेक इंडिया विकसित भारत इज अ वंडरफुल इनिशिएटिव्स एंड आई एम श्योर that India will become a Viksit Bharat. But when you start looking of your situation today, there are two indexes from which you can know where you are. One is the global standard, which is called GDP, which you all know. But I believe that is not the real lens for knowing the condition and status of a society. Therefore, I always advocate PPP. Now the first P stands for poverty. What is the level of poverty of the bottom 5% or 10% of the country? That defines your country. The second P is for pollution. What is the state of pollution in your air, water and soil? That defines your country. And the last one is P for personal social responsibility. What is the sensitivity which we have towards people, towards fellow Indians, fellow human being, and towards the nature defines our country. I think you are not only trained, but rightly placed to change this narrative of PPP. You should not take it as a job, but take it as your responsibility to make sure that in coming future, you will do everything possible to make sure that you work with people. People could be your family, your friends, your organization, to make sure that you contribute to make these PPP better.
And the last one, which is the personal social responsibility, it is one of the most fundamental part for any society. The moment you start looking the difference between underdeveloped, developing and developed society, you would find that their sensitivity towards nature and people is different. And unless we go there, I don't think we will be a Viksit Bharat. I don't want to say it Vibhats Bharat, because, but you never know. आज के दिन एक किसी बूढ़े व्यक्ति को जहाज से उतरने में प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि जो पीछे के लोग आते हैं उसको धक्का देते हैं. कैन यू इमेजिन? मैं बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस में जाता हूँ चांसलर साहब, और बहुत बहुत सक्सेसफुल लोगों से पूछता हूँ कि आपने भलाई का या गुडनेस का लास्ट काम कब किया था? आपने कब किसी को बोला कि आप पहले बैठ जाइए? आपने कब किसी को पानी ऑफर कर दिया? आपने कब किसी का बस्ता उठा के, बक्सा उठा के ऊपर रख दिया? आपने कब किसी को एक रोड स्टेशन, एक रोड क्रॉस करा दी? मतलब कब किया है आपने? तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि जीवन भर आप सक्सेसफुल तो रहे हैं लेकिन भलाई से आपका रिश्ता ना हो. अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि मानव का धर्म भलाई है, सक्सेस नहीं है. बट हम सब उस दौड़ में लगे हुए हैं, तो मेरा कहना है कि आप उस दौड़ में शामिल ना हों, या शामिल हों तो ऐसे शामिल हों कि बाकी चीज़ें आपको मिलें और जो मिलेंगी, लेकिन आप मूल को ना भूलें, ये ना भूलें कि आपको पहुंचना कहाँ है. मुझे पता नहीं मुझे कितना टाइम दिया गया था, बट मैं तो वैसे ही टाइम से आगे पहुंच गया हूं. तो मेरे यही कुछ पॉइंट्स थे. मैं बहुत आपको घंटों भर बोल सकता हूं, है ना, क्योंकि मेरे जीवन में कहानियाँ बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मैं कहानी वाला बनना नहीं चाहता. तो इससे पहले कि मैं अपनी बात ख़त्म करूँ, जब मैं वहाँ से निकला तो फिर मुझे लगा कि मुझे कॉर्पोरेट से निकला कि मुझे क्या करना है. तो मैंने डिसाइड किया कि मुझे दुनिया की कोई सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है. एंड इनिशियली आई स्टार्टेड अडॉप्टिंग स्कूल्स एंड यू नो ट्रांसफॉर्मिंग देम, बट सून आई रियलाइज कि ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम नहीं है. अगर एजुकेशन सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती तो वो सारे कंट्रीज जहाँ पर एजुकेशन है वहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होती. सो देन आई डिसाइफर्ड फॉर माई सेल्फ that the biggest problem of the world is that we all want goodness around us to be happy, but we have created a world where we only appreciate success, and people do what they get appreciated for. Therefore 98-99% people work for success, and with the result, with the lack of appreciation, the goodness is shrinking in this world. Main jab Roorkee jata tha to meri maa mujhe bolti thi ki beta jaate hi chitthi likhna. ओवरनाइट ट्रेन से आने के बाद एक दो दिन तो मैं दोस्तों के साथ खो जाता था, फिर चिट्ठी लिखता था. चार दिन के बाद, पाँच दिन के बाद उसको पता चलता था कि उसका बेटा ठीक से पहुंच गया. बट ड्यूरिंग दिस टाइम वॉज शी वरीड? एब्सोल्युटली नॉट, बिकॉज शी न्यू दैट द सोसाइटी इज देयर एंड गुडनेस इज देयर एंड समबडी विल टेक केयर. फास्ट फॉरवर्ड 40 ईयर्स, आज के दिन आपका भाई, आपकी बहन, आपकी माँ, आपके पिताजी, आपका बेटा, ये जब एयरपोर्ट या घर से निकलते हैं, सपोज एयरपोर्ट ही जा रहे हैं, तो आप कितनी बार फोन करते हैं? क्यों? बिकॉज गुडनेस इज नॉट अश्योर्ड. तो बिगेस्ट कैजुअलिटी विच हैज हैपेंड इन आवर कंट्री, दैट गुडनेस इज श्रिंकिंग. सो आई डिसाइडेड टू टेक केयर ऑफ दिस पार्ट, एंड आई डिसाइडेड टू डेडिकेट माई लाइफ फॉर स्प्रेडिंग गुडनेस. वी डिसाइडेड हाउ टू डू इट. सो इफ यू वॉन्ट टू सेव द एनवायरमेंट, यू हैव टू मेक श्योर दैट द बिगर ट्रीज आर नॉट कट एंड स्मॉल वन डोंट डाई. So I decided to safeguard the small plants of goodness. We started looking for people who are working selflessly for society, and then we started supporting them with emotional, moral, financial and intellectual support, and over a period of time grow them into NGOs. So like that, so that the goodness survives. And today we are very satisfied that we have created about 70 NGOs across India. And our reach is about 1 crore people. So मैं चार लाइनें आपको बोलना चाहता हूँ, which became the mantra, because you know that I write little bit of poetry. So चार लाइनें मैंने लिखी हैं, which became the mantra and the founding stone for Chetna Foundation, Mission Chetna. Maybe you will remember that and it may inspire you. घर चाहो तो तुम भी कुछ कर जाओ, अगर चाहो तो तुम भी कुछ कर जाओ, या फिर औरों की तरह यूं ही गुजर जाओ.
गर चाहो तो तुम भी कुछ कर जाओ, या फिर औरों की तरह यूं ही गुजर जाओ, उठाओ हाथ मदद में तुम भी औरों की, या फिर यूं ही जियो और यूं ही मर जाओ, गर चाहो तो तुम भी कुछ कर जाओ। आपको पता नहीं है कि मैं आज अपने आप को कितना भाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ कि ना ही सिर्फ मैं यहाँ आके देख सका बट कन्वोकेशन में आके आप सबसे मैं बात कर सका। मुझे नहीं पता कि ये आपको कितने दिन चीज़ें याद रहेंगी, लेकिन अगर इसमें से एक चीज़ भी आपको याद रही तो मैं, मेरा ऐसा मानना है कि जितना इम्पैक्ट उसने मेरी लाइफ को किया है, और मेरी लाइफ का इम्पैक्ट मैं आपके चांसलर साहब को बता रहा था कि मेरी उम्र 60 से ज़्यादा है बट आज तक मैंने कभी एक रात की नींद को खोया नहीं है। मेरी उम्र 60 साल से ज़्यादा है लेकिन आज तक शायद ही किसी ने मुझे ऐसा नहीं देखा होगा कि मैं खुश नहीं हूँ, और मुझे लगता है कि ये फंडामेंटल्स हैं और विदाउट दिस लाइफ डज नॉट हैव द सेम थिंग। सो आई एम रियली एक्साइटेड एवरी डे बिकॉज आई एम गेटिंग मच मोर देन व्हाट आई डिजर्व। सो मेरी ये प्रार्थना है कि ईश्वर से कि वो आपको सदैव एक ऐसा एनवायरनमेंट दे जहाँ आपको प्रेरणा मिले ठीक से चीज़ों को देखने की। मेरा ऐसा मानना है कि किसी भी रेस में आप जीतेंगे या हारेंगे यह आपके पुरुषार्थ निर्भर है, लेकिन किस रेस में होंगे यह आपकी ब्लेसिंग्स के ऊपर निर्भर है, और ब्लेसिंग्स कोई आपको दे नहीं सकता, आपको अर्न करनी पड़ती है। तो मेरी आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपका जीवन, आपका करियर बहुत अच्छा रहे, सक्सेसफुल रहे, और सक्सेस की परिभाषा आप स्वयं निर्धारित कर सकें। आपके जीवन में वो सब कुछ मिले जिसके आप अधिकारी हैं और आप अधिकार प्राप्त करना जान सकें। आप जीवन की जो फाउंडेशन है वो शांति है, क्योंकि उसी के ऊपर आप सुख और आनंद बना सकते हैं। तो आप अपने जीवन का अपना माइंडसेट ऐसा कर सकें कि जिसमें वो शांति आपके साथ सदा रहे, तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा कि आप सब के सब यू वुड ऑल बिकम दिस सक्सेसफुल प्रोफेशनल्स, बट मोर देन दैट यू वुड ऑल बिकम सक्सेसफुल ह्यूमन बींग्स। आप इस बात को इससे सीखिए कि 70, 75, 80 साल जितना भी समय हम जीतते हैं, इस समय पे हमारे अंदर आनंद की वृद्धि होनी चाहिए, और अगर 75 साल के बाद भी हम रोते हुए जा रहे हैं इस दुनिया से तो इसका मतलब हम गलत रोड पे ट्रैवल कर रहे थे। जैसे जैसे समय बीतना चाहिए हमको ज़्यादा शांत और मुस्कुरा के जाना चाहिए। तो अगर वो एक आइडिया है, अगर वो एक टारगेट है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी रोड सही चल रही है कि नहीं। जीवन में पॉइंट ए से पॉइंट दो पहुंचने के लिए, और अगर आप नहीं पहुंचते हैं, सिर्फ दो ही तरीके हैं कि आप वहां नहीं पहुंचेंगे। पहला, जब आपका डायरेक्शन गलत है, और दूसरा, जब आप रास्ते में रुक जाएं। इसके अलावा कोई कंडीशन नहीं है कि आप वहां ना पहुंचें। तो मेरी ईश्वर से प्रार्थना है और आप सबको मेरा आशीर्वाद है कि आप वहां पहुंचें जहां आप डिसाइड करें, और अगर एक डिसाइड करेंगे तो आप वहाँ ज़रूर पहुँचेंगे। अब मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ, लेकिन मैं चाहूँगा कि एक बार सब लोग एक बार दोबारा से खड़े हों और ज़ोरदार तालियाँ बजाएं स्टूडेंट्स के लिए, ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स के लिए, पेरेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए, स्टाफ के लिए, हमारे जितने यहाँ पर मेहमान आए हैं उनके लिए और सबके लिए। वाह, बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग मी।